राजनीति पर भी ऐसा लगता है कि कुछ नजर जरूर रखते हैं <laughs> किताब में अच्छा आप में से कितने लोगों को 8 नवंबर 2016 याद है किस वजह पर... से याद है डीमोनेटाइजेशन पर एक शेर है जनाब लिखते हैं हम यारों के यार हैं हमसे पैसे वाले जलते हैं हम यारों के यार हैं हमसे पैसे वाले जलते हैं नोट पुराने बंद हो गए दोस्त पुराने चलते हैं देखिए डीमोनेटाइजेशन पे कुछ भी कहने की मेरी ऑफिशियल हैसियत नहीं है जितना मैं कह कह सकता था मैंने वो कह दिया उतना ही काफी और अमेठी के बारे में आ, 2019 के मुकाबले में अमेठी की जो जंग थी ऐसी जंग थी कि पूरे देश का मुकाबला एक तरफ लोकतंत्र का चुनाव लोकसभा का चुनाव एक तरफ और अमेठी की लड़ाई एक तरफ देखिए अमेठी के बारे अमेठी में अमेठी वाला क्या सोचता है अमेठी में लोग कहते हैं तख्ता पलट गया क्या बदला मैं एक बात कहता हूं कि जब तक तख्ता नहीं पलटा था हम राहुल गांधी से सवाल करते थे अब हम स्मृति जी से सवाल करेंगे हम तो सवाल करेंगे जो पावर में है उसे जवाब देना होगा और ये गलत है कि स्मृति से के अमेठी से कभी स्मृति जी जीती या अमेठी से कभी राहुल जी जीते हर बार अमेठी जीता है इस बार भी अमेठी जीता है अमेठी से कोई नहीं जीतता हमेशा अमेठी जीतता है सबसे ज़्यादा तालियां अमेठी वाली बजा रहे हैं वहाँ साइड से जितने लोग आए हैं वहाँ पर मौजूद जब जनाब वहाँ बैठे हैं लगातार तालियों की वहाँ से बरसात हो रही है देखिए परिवर्तन अच्छी चीज़ है मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि कुछ नया आएगा कुछ नए एंगल्स आएंगे कुछ नई सोच आएगी नई विचारधारा आएगी मैं बहुत खुले दिल से और खुली बाहों के साथ स्वागत करता हूँ अमेठी में जो तख्ता पलट हुआ है और तख्ता वख्ता कुछ होता भी नहीं है क्या तख्ता किसका तख्ता लोकतंत्र है जाहिर सी बात है कल कोई और था आज कोई और होगा और मुझे तो इस बात पे बड़ा फख्र होता है कभी कभी कि जब ये दुनिया भर के लोग हमें आके बताते हैं ना कि अरे लोकतंत्र तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी जो है वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है मुझे हंसी आती है कि अभिज्ञान शकुंतलम में पहली बार लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ था कालीदास बाबा करके चले गए थे तो ये किसी और को बताओ कि ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र यूरोपियन कॉन्सेप्ट है ये खालिस इंडियन कॉन्सेप्ट है हमसे पहले लोकतंत्र की ईजाद किसी ने कभी नहीं की थी तो मैं खुश हूं आप मुझसे कुछ और कहना चाहती है तो मैं कहूंगा नहीं अमेठी के, के लिए कोई शेर अमेठी के लिए अमेठी के लिए मैं क्या कहूंगा अमेठी के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि वो एक नुक्कड़ जहाँ यारों का जमघट रोज लगता था वो एक नुक्कड़ जहाँ यारों का जमघट रोज लगता था वहीं एक चाय खाने पर जवानी छोड़ दी हमने क्या बात है हमारे गांव की गलियों को हमसे ये शिकायत है हमारे गांव की गलियों को हमसे यह शिकायत है नई दुनिया बसाने में पुरानी छोड़ दी हमने निवाले मां खिलाती थी तो सौ नखरे दिखाते थे निवाले मां खिलाती थी तो सौ नखरे दिखाते थे नहीं है मां तो सारी आनाकानी छोड़ दी हमने मैं क्या बोलूंगा मेठी के बारे में कोई खुदगर्जियां देखे हमारे जैसे बच्चों की कोई खुदगर्जियां देखे हमारे जैसे बच्चों की अधूरी मां के होठों पर कहानी छोड़ दी हमने गरीबी में नहीं बिकने दिया एक छोटा सा टुकड़ा मुझे याद है मेरे पापा हमेशा कहते थे कि यह जमीन तब बिकेगी जब मेरी अर्थी उठेगी उसके पहले कभी जमीन नहीं बिकेगी इतना प्यार करते थे जमीन को कि गरीबी में नहीं बिकने दिया एक छोटा सा टुकड़ा अमीरी में ज़मीनें ख़ानदानी छोड़ दी हमने मैंने देखा भी नहीं पलट के आखिरी बार कि कब वो ज़मीन जिसके जिससे इतनी मोहब्बत मेरे वाल को थी वो अब किस हाल में है तो बहुत कुछ खो गया है पीछे बहुत कुछ छूट गया है हालांकि कुछ समय पहले शायद अब अभी आप गए थे वहाँ पर तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी तस्वीरें अपने पुराने घर की पुराने कुएं की और उन सब जगहों की शेयर की थी मैं पढ़ रही थी आपके बारे में तो बहुत सारी तस्वीरें वहाँ की हमें दिखाई दी बहुत सुंदर